बेंगलुरु में रामनवमी पर बवाल, जय श्री राम का नारा लगाने पर रॉड से हमला, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। बेंगलुरु में रामनवमी के अवसर पर जमकर बवाल हुआ है, यहाँ जय श्री राम के नारे लगाने कुछ लोगों को तब भारी पड़ गए जब 4 लोगों ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि यहाँ चक्का बेटा हल्ली में हुई इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामनवमी के अवसर पर बेंगलुरु में जमकर बवाल हुआ, जय श्री राम के नारे लगाने पर यहाँ 3 लोगों पर कथित तौर पर रॉड से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि यहाँ चक्का बेटा हाली में हुई इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने आगे बताया कि घटना के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 नाबालिगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी MS पालिया के रहने वाले हैं। इस बीच बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बुधवार रात पीड़ितों से उनके आवास पर मुलाकात की और घटना की निंदा की। जय श्री राम के नारे लगाने पर रोका, पुलिस के मुताबिक ये घटना तब हुई जब संजीवनी नगर के रहने वाले पवन कुमार, राहुल और विनायक अपनी कार से एक सेकंड हैंड दोपहिया वाहन की जांच करने के लिए MS पालिया की ओर जा रहे थे। उनके पास भगवा झंडा था और वह जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर बोलने को कहा। इसी बीच बाइक पर सवार फरमान और समीर ने उन्हें रोका और फरमान ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। वे जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे थे और उन्हें केवल अल्लाहू अकबर कहना चाहिए। फरमान ने झंडा छीनने की कोशिश की, हालांकि पीड़ितों ने उसका पीछा किया जबकि समीर भाग गया। बाद में वे अपनी कार में लौट आए। अधिकारी ने कहा कि हमारी पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने के बाद पीड़ितों को थाने लाया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि राहुल के लिए सर पर रॉड से वार किया गया और विनायक की नाक की हड्डी में चोट आई। पवन से प्राप्त शिकायत के आधार पर विद्यारणपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।